सम्मानित साथियों नमस्कार, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बड़ी खुशखबरी का ये शासनादेश जारी हुआ है जो सभी विभागों में 31 अक्टूबर 2021 तक पदोन्नति करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं सचिव महोदय के। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है साथियों, जो सभी विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए है। और ध्यान से देखिएगा इस आदेश को कि किसे यह पदोन्नति के आधार पर बेनिफिट मिलने वाले हैं और किस प्रकार से पदोन्नति की जाएगी। साथियों, यदि यह वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखते हैं आदेश। प्रेषक श्री राजेंद्र कुमार तिवारी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त प्रमुख सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन, यानी सभी विभागों के प्रमुख सचिव, अपर सचिव और सचिवों के लिए यह आदेश निर्गत हुआ है। और सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ यह आदेश को वरीयता देते हुए कार्य करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कार्मिक अनुभाग लखनऊ, दिनांक 1 अक्टूबर 2021 को यह शासनादेश जारी हुआ है। राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के माध्यम से भर्ती हेतु चयन वर्ष 2021-22 तक उपलब्ध एवं संभावित रिक्तियों के को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर भरे जाने के संबंध में महोदय उपयुक्त विषय कार्मिक अनुभाग एक की पत्र संख्या एवं कार्मिक अनुभाग एक पत्र संख्या और आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि अपने प्रशासकीय अधिष्ठानीय नियंत्रणाधीन कार्मिकों के संबंध में शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर चयन वर्ष 2021-22 तक पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाली समस्त रिक्तियों का नियमानुसार आग्रहण कर पदोन्नति की कार्यवाही दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक पूर्ण कर ली जाए। उक्तानुसार कार्यवाही के उपरांत पूर्व विभाग की समेकित सूचना संलग्न प्रारूप पर दिनांक 8 नवंबर 2021 तक कार्मिक अनुभाग एक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। संलग्नक यथोक्त बोधीय श्री राजेंद्र कुमार तिवारी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश। यह साथियों प्रारूप है जो इस प्रारूप पर सूचना को समेकित करते हुए प्रेषित की जानी है। विभाग का नाम चयन वर्ष 2021-22 तक आगृत रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु संस्तुत पदोन्नत किए गए कार्मिकों का संक्षिप्त विवरण। समूह का खागा वर्ग के जो भी कर्मचारी हैं उनकी सूची। चयन वर्ष 2021-22 तक आगृत रिक्तियों की संख्या। पदोन्नति हेतु संस्तुत कार्मिकों की संख्या। पदोन्नति प्रदान किए जा चुके कार्मिकों की संख्या और यह अभियुक्ति। इस प्रकार से यह प्रारूप है। इस प्रारूप पर 8 नवंबर तक यह भर करके सभी विभागों से सूचना जाएगी। पदोन्नति करते हुए 31 अक्टूबर तक यह कंप्लीट की जानी है। तो साथियों, यदि यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर करिए। और नए वीडियो के साथ मिलते तब तक के लिए जय हिंद।